हेलो एवरीवन, वेलकम टू विड्स कुकिंग। मैं विज्ञा शेट्टी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी कॉर्न पनीर समोसे की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर। इसमें डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, आधा टीस्पून काली मिरी पाउडर, 1 टीस्पून ओरेगानो अवेलेबल नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, नमक स्वादानुसार। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज। इसको फिर से मिक्स करेंगे। अभी एक समोसा पट्टी लेंगे। ये जो पट्टी है ये मैंने घर पर बनाया है, इसका वीडियो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। समोसा पट्टी मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगा। अभी पट्टी को ऐसा कोन शेप देंगे। इसमें फिल करेंगे पनीर का मिक्सचर। मैदा में थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट रेडी करके रखा है। पेस्ट को समोसा स्टिक करने के लिए यूज करेंगे। अभी समोसे को फोल्ड करेंगे। समोसा रेडी हो चुका है। बचा हुआ समोसे को भी रेडी कर लेंगे। समोसा रेडी हो चुका है। अभी इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई में तेल लिया है। तेल गरम हो चुका है। अभी इसमें समोसे एक एक करके डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे और समोसे को दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे। समोसा एक साइड से पक चुका है। अब इसको पलट के दूसरा साइड से भी पकाएंगे। समोसा का कलर चेंज हो चुका है। समोसा पक चुका है। अभी इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। बचा हुआ समोसा भी फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी कॉर्न पनीर मिनी समोसा रेडी हो चुका है। इवनिंग स्नैक्स के लिए आप इसको बना सकते हैं। इसका रेसिपी बहुत ही इजी है। समोसे को तोड़ के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं समोसा कितना क्रिस्पी बना है। आज का पनीर समोसा आपको कैसा लगा? पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।